आगे बढ़ने का इस सर्वे के क्रम में, और इसके लिए फिर से हम चलेंगे डेटा सेंटर प्राची के पास। बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल की बात, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें 136 सीटें हैं और यहां पर ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ सकता है, और इसीलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी यूपी में किसे कितने वोट मिलेंगे। राजेंद्र, बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा क्षेत्र, 136 सीटें यहाँ पर, और जो आंकड़े हमें मिले हैं जवाब के तौर पर वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये रहे आपकी स्क्रीन पर वो आंकड़े, एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 40% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं ताजा सर्वे में, और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 33% वोट जिसका गठबंधन हो चुका है राष्ट्रीय लोकदल के साथ पश्चिमी यूपी में। बसपा की बात करें तो 16% लोगों की पसंद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, और कांग्रेस की अगर बात करें तो 7% लोगों की पसंद है कांग्रेस पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अन्य के लिए सिर्फ 4% लोग अपनी राय सकारात्मक रखते हैं। ये हैं पश्चिमी यूपी के आंकड़े। बड़ी खबर क्या है इसमें, चलेंगे अनु के पास। बिल्कुल राजेंद्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसा आपने भी जिक्र किया कि किसान आंदोलन, 3 कृषि कानून बड़ी भूमिका निभा रहे थे, ऐसे में बड़ा फैसला होने के बाद ये फैसला रिस्क कर जनता तक कैसे पहुंच रहा है, क्या वो वोट प्रतिशत में तब्दील हो रहा है, ये इन मत से समझ में आ रहा है। 40% वोट जाते दिख रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में, वहीं समाजवादी और उसके गठबंधन को 33% वोट मिलते दिख रहे हैं, इतना प्रतिशत मत है उनके पास लोगों का पश्चिमी यूपी में। बसपा की बात करें तो 16% वोट मिलते दिख रहे हैं, तो ये एक बड़ा आंकड़ा है और एक बड़ा परिवर्तन हम इसे कह सकते हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को यहां भी 7% और अन्य के खाते में 4% वोट जाते दिख रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में क्या पिछली जो मर्तबा आंकड़े आए थे इस बार के आंकड़े उससे अलग हैं, इसकी तुलना जरूर कीजिए राजेंद्र। बिल्कुल 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 अरुण, वो तुलना अब दर्शकों के सामने रखने का वक्त आ गया। कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन, 27 नवंबर को क्या स्थिति थी ये देखिए आप पश्चिमी यूपी की। भाजपा को 39% वोट मिलते दिखाई दे रहे थे, बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान। 40% लोग इस हफ्ते कह रहे हैं कि उनकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वही बरकरार है, 33% लोग पिछली बार भी पसंद कर रहे थे, इस बार भी 33% लोग। बसपा के लिए भी कुछ नहीं बदला है, 16% लोग पिछली बार भी, इस बार भी 16% लोग। और कांग्रेस के लिए भी कमोबेश कुछ भी नहीं बदला है, 7% लोगों की पसंद पिछली बार भी और 7% लोगों की पसंद इस बार भी। अन्य के आंकड़ों में जरूर 4% की गिरावट आई है, जाहिर सी बात है। ओवरऑल स्थिति क्या है?